अलीगढ़ के इगलास कोतवाली पुलिस ने गांव मौजीपुर में हुई एक युवक की हत्या का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल से पकड़ा है और साथ ही मौके से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का ठूट भी बरामद किया है। आपको बता दें, आरोपी ने शराब के नशे में झगड़ा होने पर अभियुक्त की हत्या कर दी थी। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के गांव मौजीपुर का है, जहां पर बीते एक दिन पहले अभियुक्त की हत्या कर दी गई थी। शनिवार की सुबह गांव रामपुर के प्रधान के खेत में अभियुक्त का शव पड़ा मिला था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया था। घटना के संबंध में मृतक के पिता ने गांव के ही एक अभियुक्त के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना की विवेचना सीओ परशुराम सिंह द्वारा की जा रही थी। एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि एसएसआई लक्ष्मी सिंह ने मुखबिरी की सूचना पर शुक्रवार की सुबह आरोपी को घटनास्थल से पकड़ा है। मौके से हत्या में प्रयुक्त लकड़ी का ठूट भी बरामद किया है। कोतवाल ने बताया कि घटना के बाद आरोपी का मोबाइल कहीं गिर गया था। शुक्रवार की सुबह आरोपी घटनास्थल पर अपना मोबाइल तलाश करने गया था। आरोपी और मृतक ने विगत शुक्रवार की शाम को साथ बैठकर शराब पी थी। इस दौरान दोनों में कहासुनी हो गई। झगड़ा होने पर आरोपी ने पेड़ की लकड़ी के ठूट से मृतक के सर पर हमला किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आरोपी के खिलाफ फिलहाल कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश किया जाएगा। एचबीएन न्यूज की खास रिपोर्ट। 302 SC/ST का मुकदमा पंजीकृत है, उसमें ये अभियुक्त था पवन चौधरी, उसको इगलास पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार करके माननीय अलग सामने उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें CO इगलास साहब कर रहे हैं। थैंक यू।